तो फिलहाल मैं ये खड़ा है अपना ट्रैक्टर, और आप लोग ने पहले ये देखा ही होगा डिलीवरी वाली वीडियो में, देख लिया होगा सारी वीडियो। अगर नए जो हमारे भाई नए देख रहे हैं ये पहली बार वीडियो, तो आप पिछली वीडियो में इसकी डिलीवरी वगैरह सब देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में पहला नंबर पे हमने ट्रैक्टर मंगाया था, पहला ट्रैक्टर मध्य प्रदेश में आया था। तो फिलहाल में अब इसको हम जुताई पे चलाने वाले हैं। आप लोग टीलर देख सकते हैं, जो कल्टीवेटर हैं उसके ये 11 के टायनों के हैं, और इसके ऊपर बेट भी रखा हुआ है, पटेला भी रखा हुआ है इस पर। ये दूसरी बार जब खेत जोतेंगे, क्योंकि इसमें लेजर लेवलर चलेगा, तो इसको लगा के चलाएंगे जिससे खेत लेवल रहेगा एक थोड़ा। और अभी देखो, अभी हमारे भाई को जानकारी ज़्यादा है नहीं, इसलिए उन्होंने जो लिफ्ट की सेंसिंग है वो नीचे वाले में डाल रखी है, लेकिन ऊपर होना चाहिए हमेशा। आप लोग ध्यान रखिए, इसको ऊपर लगा के रखिए और इसको यहाँ पे सबसे ऊपर वाले में, जिससे क्या है थोड़ा यहाँ लेवल ऊंची रहनी चाहिए और वहाँ थोड़ी कम रहनी चाहिए, जिससे क्या है सेंसिंग ट्रैक्टर अच्छी करेगा तो लोड भी कम मानेगा। लेकिन इसको सेंसिंग की ज़रूरत है ही नहीं है, वैसे ही चलता है अपने दम से, इसमें सेंसिंग वेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसको हम पहले टू व्हील ड्राइव में चला के दिखाएंगे, उसके बाद फोर व्हील ड्राइव में चला के दिखाएंगे। और ये हमारे अमन भाई आज आए हैं, इनको धूप बहुत ज़्यादा लग रही है, और आप लोग देख सकते हैं धूप ऐसी है और इनको धूप लग रही है। और ये आर्मी लवर हैं, इनको भी धूप लगेगी तो बताओ किसको फिर हमारा कैसा काम चलेगा। आर्मी वालों को और किसानों को अगर धूप लगेगी तो कैसे काम चलेगा। तो फिलहाल मैं इसको हम चला के दिखाएंगे आपको, सारे गियर में चला के दिखाएंगे कैसे क्या परफॉर्मेंस ट्रैक्टर दे रहा है। अभी चेक करते हैं उन्होंने कौन से गियर में चला के रखा है। ये मीडियम गियर में चलाया है इन्होंने, शायद हाई में चल रहा था ये ट्रैक्टर, हाई में लगाया है उन्होंने। तो फिलहाल में इसको हम लगाएंगे पहले के हाई में। RPM कर लिए हैं और फोर व्हील ड्राइव गियर लगा है, इसकी क्लिच बहुत ऊपर काम कर रही है। ये तो यार पता भी नहीं चल रहा है कल्टीवेटर खींच रहा है, बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है 1% भी, 1% भी भाई मैं बयाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ये नहीं पता चल रहा है पीछे कल्टीवेटर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है ट्रैक्टर बिल्कुल खाली चल रहा है, और ट्रैक्टर 1200 RPM पे है, पूरे 1200 पे चल रहा है। कहीं भी मोड़ दो, कुछ भी कर दो, कोई भी इसको फर्क नहीं पड़ रहा है। और आगे से तो ऐसा लग रहा है यानी क्या चला रहा हूँ मैं, बहुत हैवी लग रहा है आगे से चलाने में, टायर इसके बहुत तगड़े लग रहे हैं। और इसमें साइड पैडल खोलने की जरूरत भी नहीं है, साइड ब्रेक वाला ये ऑटोमेटिक मुड़ जाता है, बस आप स्टीयरिंग मोड़ दो, आगे की साइड ट्रैक्टर नहीं भागता है बिल्कुल भी। एक बार इसका ये वाला लीवर डाल के देख लेते हैं कैसा क्या चलाएगा, और इसको लगाएंगे आप पहले के मीडियम में। दोनों लीवर नीचे डाउन कर दिए हमने। अमन थोड़ा हल्की तरह यार फाड़ रहा है, बिल्कुल भी ट्रैक्टर दब नहीं रहा है। देखिए 1200 RPM से बिल्कुल 11 भी नहीं हो रहे हैं। अब इसको लगाएंगे दूसरे मीडियम में। देखिए दोनों लीवर नीचे हैं डाउन,
पूरे कल्टीवेटर भी डूब चुके हैं किसान भाइयों। अब हमने एक्सीलेटर भी ज़्यादा ओवर नहीं दिया है, एक बार इसका सेंसिंग वाला पॉइंट ऊपर करके आप देखेंगे ये कैसा काम कर रहा है सेंसिंग में। देखिए सेंसिंग का कमाल, ट्रैक्टर की सेंसिंग थोड़ी हमने स्टार्ट कर दी तो ट्रैक्टर ऑटोमेटिक चलने लगा, बिल्कुल भी लोड नहीं मान रहा है। तो अब इसको लगाएंगे दूसरे के मीडियम में। तो फिलहाल में हमने इसको अभी हम इसको ये ट्राई करने वाले हैं कि ये टू व्हील ड्राइव में और फोर व्हील ड्राइव में क्या डिफरेंस इसमें रहता है। तो फिलहाल में अभी ये टू व्हील ड्राइव, अभी फोर व्हील ड्राइव में ही ट्रैक्टर चल रहा है तो इसको अभी टू व्हील ड्राइव में कर लेते हैं। अब ये टू व्हील ड्राइव में हो गया है, अब इसको लगाएंगे पहले के आई में, देखते हैं ट्रैक्टर बढ़ता है कि नहीं आगे इसी पोजिशन में। देखिए ये कंडीशन हो रही है, ये देखिए ये कंडीशन हो रही है। आप इसी जगह पे बिना लिफ्ट को छेड़े यहाँ से हम फोर व्हील ड्राइव गियर लगा लेते हैं। ये अंतर है, फोर व्हील ड्राइव लगाने से ये फायदा है, बड़े प्यार से चलने लगता है फोर व्हील ड्राइव में, और टू व्हील ड्राइव में ट्रैक्टर स्लिप होके चलता है। आज समझ में आ गया है कि फोर व्हील ड्राइव में और टू व्हील ड्राइव में क्या अंतर है। बहुत अच्छी गहराई से ट्रैक्टर जोत रहा है खेत को, देखिए इसको तीसरे के मीडियम में लगा के और देख लेते हैं। ये तीसरे का मीडियम लग गया है, सेम पोजीशन है लीवर की और सेम आरपीएम है, देखते हैं कैसा चल रहा है तीसरे मीडियम में। लीवर बिल्कुल नहीं हमने छेड़ा है, अब पहले आज से कुछ इसकी चाल बढ़ चुकी है, हल्का 50 आरपीएम तोड़ के ट्रैक्टर चल रहा है। कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, आप लीवर को देख के मत सोचना कि लीवर कम लग रहे हैं, इसकी टांगें जब ट्रैक्टर लिया है उसके बाद बहुत ज़्यादा खोल रखी हैं, इसलिए ट्रैक्टर थोड़ा
जो अपने कल्टीवेटर हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं। तो भाइयों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी थी, तो अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, उसमें सारा बताएंगे।